अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज चिकन कोरमा की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है, तो आप लोग बहुत ही जल्दी बनाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। चिकन कोरमा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे चिकन। तो हमने यहाँ पे लिया है 1.5 किलो चिकन और इसे अच्छी तरह से धो के रख लिया है। और इसके बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड किया है 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 3 टीस्पून धनिया, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। यहाँ पे हमने 1 कटोरी दही लिया है और इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है जिससे इसमें एक भी लम्स ना रहे। और इन सारी चीज़ों को इसमें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। हमने यहाँ पे 1 से 2 घंटे तक मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, इस दरमियान हम बाकी कोरमे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 3-4 प्याज, इसे हमने काट लिया है और इसे हम फ्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे तेल डाल दिया है, ये हमने 1.5 कप तेल डाला है इसमें। और इसमें हम ये प्याज फ्राई कर लेंगे। हमें प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है। और ये देखिए प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। और ठंडा करके इसे हम पीस लेंगे। इसे हमें दरदरा सा ही पीसना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। इसे इसी तरह से दरदरा दरदरा पीस लेंगे, इससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी। और इसके बाद जो तेल हमारा जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, उसी तेल में हम चिकन ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से तेल में मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 3-4 तेज पत्ते, थोड़ी सी काली मिर्च, 4-5 लौंग, 3 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इन सारी चीज़ों को हम चिकन में डाल देंगे और इसे मिक्स करके कम से कम 10 से 20 मिनट तक हम अपने चिकन को पकाएंगे, जब तक चिकन अच्छी तरह से गल ना जाए। और इस दरमियान हम तैयार कर लेते हैं एक बहुत ही स्पेशल मसाला चिकन कोरमा के लिए। तो यहाँ पे हमने पिसी हुई नारियल ली है और इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसे हम पीस लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है नारियल जो हमने रोस्ट की थी और थोड़े से काजू, बादाम, 3 छोटी इलायची, जायफल आधा टुकड़ा और थोड़ी सी जावित्री। इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। और ये देखिए चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, तो जो हमने पेस्ट तैयार किया था नारियल वाला, वो इसमें ऐड कर देंगे। और जो हमने प्याज पीसी थी, हल्की सी दरदरी सी प्याज हमने पीसी है और बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसे हम इसमें डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, तकरीबन हमने 1 कप पानी इसमें ऐड किया है। और इसके बाद चिकन कोरमा की जो सबसे ही स्पेशल चीज़ है, जो बहुत ही सीक्रेट है, तो हम वो बताने जा रहे हैं। यहाँ पे हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे केवड़ा वाटर और इसे बंद करके 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। और ये देखिए चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, देखने में बहुत ही लजीज है, बहुत ही मज़े का है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं और मज़े से खाते हैं। और ये चिकन कोरमा हमारा रेडी हो चुका है खाने के लिए, बहुत ही मज़े का। अब इसे हम गार्निश करेंगे धनिया से। धनिया तो बहुत ही ज़रूरी है, शान है ये तो चिकन की। तो इसमें हम धनिया डालेंगे और ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही लजीज था। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी है, तो आप लोग इसी तरह से रेसिपी ट्राई कीजिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ।